कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर दंड स्वरूप जुर्माना किए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगाकर एक ओर जहां सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र से भी उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज शहर की सिरसा रोड पर स्थित उपमंडल कार्यालय परिसर में भी देखने को मिला, जब मास्क नहीं लगाने के लिए टोकने पर एक युवक ने सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की। यह मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षा कर्मियों को उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखित शिकायत भी देनी पड़ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह करीब 11 बजे गांव हिम्मतपुरा नकोड़ा निवासी एक युवक अपने पिता के साथ उपमंडल कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ, तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ASI चंद्रभान व भालाराम ने दोनों पिता पुत्र को मास्क लगाने के लिए कहा। इस पर युवक के पिता ने तो अपने मुंह पर गमछा रख लिया, लेकिन युवक सुरक्षा कर्मियों से ही उलझ गया और धक्का मुक्की करने लगा। इसी बीच एलनाबाद के SDM दिलबाग सिंह अपने गनमैन के साथ गाड़ी में सवार होकर सिरसा के लिए रवाना हो रहे थे। बताया जाता है कि SDM महोदय ने भी अपनी गाड़ी रोककर उक्त युवक को मास्क लगाने के लिए कहा, तो इस युवक ने SDM दिलबाग सिंह और उनके सुरक्षाकर्मी के साथ भी हाथापाई करनी चाही, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को काबू कर लिया और SDM दिलबाग सिंह को वहां से सिरसा के लिए रवाना किया। मौके पर और भी पुलिसकर्मी पहुंच गए और दोनों पिता पुत्रों को पुलिस थाने ले गए। मैं ड्यूटी बता, दो बंदे आए, मैंने उसको मास्क क्या बोला, तो एक बंदे ने तो मास्क गमछा बांध लिया, इसने मैं कह या तो बाहर चले जाए या मास्क लिया। ये बोले क्या यार तू, क्या है मास्क, क्या है मास्क। इतने में SDM साहब आ गए, उन्होंने रोक लिया, उनके चलान कर SDM साहब के गले पड़ गया, गनमैन के गले पड़ गया, मेरे भी गले पड़ गया, गनमैन की वर्दी पार दी उन्होंने, धक्का मुक्की हुई हमारी। नहीं बताते हैं कि वो कोई मारपीट भी हुई है? मारपीट नहीं हुई जी, मारपीट वो कर रहा था, हमने उसको पकड़ रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो कोई मेंटली अपसेट है, क्या है वो, क्या मामला है? फादर तो यही बोल रहे हैं मेंटली अपसेट है, हमें क्या पता जी, मेडिकल चेक करने के बाद में पता चलेगा। इधर आरोपी युवक के पिता ने बताया कि उसका बेटा थोड़ा मानसिक परेशान है, जिसका इलाज भी चल रहा है। वे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उपमंडल कार्यालय में आए थे, जब उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा गया तो वे मास्क लाने ही जा रहे थे, तभी SDM साहब मौके पर पहुंच गए और उन्हें कथित रूप से गाली निकालने लगे, जिससे उसका पुत्र उत्तेजित हो गया और हाथापाई होने लगी। वे अपने मानसिक रूप से परेशान चल रहे पुत्र के व्यवहार के लिए खेद भी व्यक्त कर चुके हैं। दोस्तों, ये खबर बनाए जाने तक इस घटना में सुरक्षाकर्मी ASI चंद्रभान और भालाराम पुलिस थाने में लिखित शिकायत देने पर विचार कर रहे थे। उनकी लिखित शिकायत के आधार पर ही पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी।